हेलो दोस्तों, तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो पेश है आपके लिए आज बेहतर सा नाटक, तो देखें और एंजॉय फुल करें। आओ बेटा आओ, सब काम हो गया ना? आज बड़ी देर कर दी। जी पिताजी, काम ही देर का था, और वैसे भी पिताजी उस बंजर जमीन को मुझे अपने खून और पसीने से सींचना है, तभी तो वो मिट्टी सोना उगलेगी। बेटे, मिट्टी के साथ तो मिट्टी होना ही पड़ता है, तब कहीं कुदरत जाकर हमें फसल के रूप में फल देती है। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा, जाओ हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाओ। जी पिताजी, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आया। जाओ। सुनो जी, वो छोटा कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आया। तुम्हारे साथ काम पे भी नहीं गया वो? वो लीजिए पिताजी, जिसे आप याद कर रहे थे वो हाजिर। लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। बेटे, तुम क्यों हर वक्त अपना कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हो? नहीं पिताजी, मैंने बस अभी अभी टीवी लगाया था, पढ़ ही रहा था, थोड़ा थक गया तो सोचा मनोरंजन हो जाए। अच्छा, पढ़ रहे थे? देखे तो क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, तो ये पढ़ रहे थे तुम। देखो बेटा, हर चीज का एक समय होता है। खेलने के वक्त खेलो, पढ़ने के वक्त पढ़ो, परमेश्वर सब देखता है। तुम हमें तो धोखा दे सकते हो, लेकिन लेकिन उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और तुम जितनी मेहनत करोगे ना बेटा, तुम्हें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। और मैं कई दिन से देख रहा हूं कि तुम पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और ना ही तुम बड़े भाई का हाथ पटाते हो, और ना ही तो कम से कम नौकरों के ऊपर ही निगरानी रखा करो। लेकिन तुमसे तो ये उम्मीद करना भी बेकार है। आप हर समय इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी ये छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। इस तरह सारा दिन डांट टपट करना अच्छा नहीं है। देखो माँ, अगर पिताजी मुझे इस तरह डांटते रहेंगे ना, तो मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ। मतलब साफ है, मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेटे, अपने पिता से इस तरह से बात करते हैं? अपनी हद में रहना सीखो, आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला बुरा सोचना हमारा फर्ज है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, बड़ों के साथ इस तरह से बात की जाती, और परमेश्वर की नजर में तो यह बहुत बुरा कर्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मुझे संपत्ति में से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। नहीं बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तुम समझते क्यों नहीं बेटे, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे सब कुछ नहीं, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा। कुकर्मों में सब कुछ खर्च कर चुकने के बाद वो पूरी तरह कंगाल गया। अचानक उस देश में अकाल पड़ा तो वो भूख से मरने लगा और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। अरे भाई, क्या बात है, अंदर क्यों चले आ रहे हो? मालिक, मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ, जो भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है मालिक, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ मालिक।
मुझे काम जरूर दे दीजिए मालिक, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मैं आपका आभारी रहूंगा मालिक, आपका आभारी रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे सुअर के बाड़ों में काम कर सकते हो। ठीक है मालिक, मैं काम करने को तैयार हूँ। और सुनो, इस काम के बदले में मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना, और अगर तुम रात को सोना चाहो तो सुअर के बाड़े में ही सो जाया करना। और भोजन मालिक? और जो सुअर खाएंगे वो तुम भी खा लिया करना। अच्छा मालिक, ठीक है, तो आज से ही काम पे लग जाओ। जी मालिक। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है, अब इस योग्य भी नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। पिताजी, मुझे एक नौकर के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे बख्श दीजिए पिताजी। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है पिताजी, मैं तो अब इस योग्य भी नहीं रहा कि आपका बेटा कहलाऊं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूं पिताजी। अरे नहीं बेटा, नहीं, रोते नहीं, तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो बेटे, मेरी जान हो तुम। मुझे मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर वापिस आओगे मेरे लाल, मैं हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता रहता था, और तुम्हारी माँ रात रात पर जागती रहती थी और रोती रहती थी बेटे। पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन ना करके बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बस एक मौका और दीजिए पिताजी, बस एक और मौका, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा पिताजी, कभी नहीं करूंगा। बेटा बेटा बेटा, अरे तुझे तो देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल गया हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा, हम तो तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल खो चुके थे, लेकिन लेकिन तुम हमारे पास सही सलामत पहुंच गए बेटा। एक बाप के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसका भटका हुआ बेटा सही सलामत घर में वापस आ जाए। अरे लाल, Thank you.
तुम भी आओ। अरे बाहर आके देखो कौन आया है। तेरा बेटा। बेटा। कहाँ चला गया तो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। मुझे माफ कर दे माँ। अरे गांव वालों, अरे सुनते हो, मेरा बेटा जो खो गया था आज वापिस आ गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। अरे रामू श्यामू खसीटा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? मेरे बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आओ, उसके हाथों के लिए सोने की अंगूठी लेकर आओ, उसके पाँव के लिए नए जूते खरीद कर लाओ। अरे सारे गांव को दावत पे बुलाओ ताकि हम मिलकर भोजन करें और खुशियां मनाएं। हजूर अंदर चलिए, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पिताजी, ये सब क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? बेटा, तुम्हारा छोटा भाई घर वापिस लौटा है ना, इसलिए। तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? क्यों, तुम्हारा छोटा भाई इतने अरसे के बाद घर लौटा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पिताजी, आप मेरी मेहनत और ईमानदारी का बहुत अच्छा सिला दे रहे हैं मुझे। नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। चलो अंदर चल के अपने भाई से मिलो। तो उसी भाई से जो अपना हिस्सा लेकर आपको और मुझे ठुकरा कर ये घर छोड़कर चला गया। आपने मुझे तो कभी भी मेरे मित्रों के साथ खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। तुम तो हमेशा मेरे साथ हो, तेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है बेटे, बल्कि ये खुशी मनाने का है। बेटे, तुम्हारा छोटा भाई मर गया था, अब जी उठा, वो अब ठीक हो गया था बेटा, आज मिला।